गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो 2-3 दिनों से कोई वीडियो शूट नहीं की थी, बहुत ही आलसी पना आ रहा था वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी क्या हुआ कि कल कैरी मिनाटी का न्यू वीडियो आ गया है। तो जहाँ से कैरी मिनाटी का वीडियो आ गया तो रिक्वेस्ट आएगी ही आएगी लोगों की। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है कैरी मिनाटी की न्यू, ये रोस्ट वीडियो नहीं है, ये सॉन्ग है उनका वरदान, जो उनके भाई के साथ है विली। एक सेकंड चेक कर, उनके भाई का नाम है विली फ्रेंजी। तो देख लेते हैं कैसा है वीडियो। बाय द वे, वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज हो चुके हैं भाई, तो पहले देख लेते हैं फिर करेंगे बातें। तो इसके लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो। पापा, मैं कल एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे बस के नहीं आया यार ये सब। ये शायद कैरी मिनाटी है जो बच्चा था। क्या यार बेटा, ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता, पर इस फील्ड में लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है पर कुछ हासिल नहीं होता। अगर तू इसके लिए तैयार है तो ठीक है। आई थिंक इसने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था गेमिंग वगैरह। पापा मान तो गए हैं पर इसमें फेल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ओए ऐसे क्या देख रहा परेशान आत्मा, मैं तेरा फ्यूचर हूं। कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम के बारे में सोचता रहेगा, कुछ बनाएगा भी? चल छोड़, तुझे घुमा के लाता हूं। वो जो पीछे से इफेक्ट डाला गया ना बादलों का, वो बड़ा अच्छा सा साउंड मतलब आ रहा कानों में। सशक्त बक्से में बंद, पड़े पड़े लगा उस पे जंग और गंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। घिसट घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग, सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना, जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं है यही था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले, सपनों के लिए सांस ले सपनों के लिए जान दे, कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पता है जब कैरी दोल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक नया गेमिंग चैनल खोलूंगा। अच्छा, याद से खोल लियो। तेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है उस पर। अब ये एग्जाम एग्जाम की बकचोदी छोड़ और सही चीज पे दिमाग लगा, हैं? खत्म हो गया ये ले। पी ले। नीचे मत देखना, पीछे मत मुड़ना, चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा, जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम, अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म, लपटे उठेगी राख से, बस रखना है आगे कदम। उनकी मत सुनो ये भूखे बेचारे, जाने गंजाने के बस खाते हैं दाने, ये लोग खुद को ना पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। बनाने लेजेंड बनानी बस अपनी जगह, देना ने 100% 200 तू पावर लगा, किस्मत को भूल भूल मत अपनी वजह।
ना बच्चा। छोटा कैरी भी नाटी। ओके कैरी मीना जी। ओए आ तुझे घुमा के लाता हूँ। अच्छी है गाइस, मतलब मुझे पता है कि इस पर क्लेम आएगा बिकॉज हमेशा जब भी कैरी मिनाटी कोई सॉन्ग वो देता है तो किसी ना किसी कंपनी को अपने कॉपीराइट दिए हुए होते हैं। मुझे वो चीज़ अच्छा लगा, वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि उसने अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को दोनों को मिक्स करके एक सॉन्ग बनाया है कि कैसे मतलब उसका मन नहीं करता था पढ़ाई करने का और घर वालों से बात करता है। एंड मुझे ये चुचले कि उस समय घर वालों ने सोचा, बिकॉज नॉर्मली पेरेंट्स ये जो भी हम ऑनलाइन अभी हम जैसे यूट्यूबर्स हैं या कई लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या फिर अलग अलग तरह का जो फील्ड होता है जो कि हमारे इंटरनेट से जुड़ा होता है, घर वाले नहीं समझ सोचते कि फालतू काम है, नौकरी सही रहता है, नौकरी अच्छी है। तो उसके घर वालों ने वो चीज़ समझी कि अगर तुझे लगता है कि तुझे इस चीज़ में आगे जाना है तो तू सोच ले और जा। एंड देन वो देखता है कि उसका मतलब जो अभी कैरी मिनाटी है वो आता है एंड उसको बताता है कैसे ऊंचाइयाँ छूनी है, उसको समझाता है। देन वहाँ से कैरी मिनाटी बनता है, कैरी मिनाटी का रूप सबके सामने आता है। तो मैंने कैरी का करीना कपूर के साथ मिर्ची पर एक इंटरव्यू आया था, उसमें मैं बता रहा था कैरी मिनाटी की किस तरह से उसके शायद 4 या 5 सब्सक्राइबर थे 2014 में, और वो भी उसके खुद के दोस्त थे, उन लोगों से वो मतलब बोल बोल के क्या चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ये करके उसने शुरुआत की थी। देन फिर 10,000, फिर 1,00,000, एंड आज 25,00,000 से सॉरी 25 मिलियन से शायद ज़्यादा ही है अभी कैरी मिनाटी के जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसे कहते हैं मेहनत करना एंड दो दो चैनल साथ में चला रहे हैं, साथ में रैपिंग करना एंड अदर। अभी शायद उनकी कुछ अजय देवगन के साथ कोई मूवी भी आने वाली है उसके साथ में, मतलब अजय देवगन के साथ नहीं, उनकी कंपनी के थ्रू प्रोडक्शन के तले शायद कोई मूवी आने वाली है। तो बहुत ही मेहनत वाला काम है। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि कैरी मिनाटी फेमस हुआ है गाली देने की वजह से। देखो भाई, गाली तो कोई भी दे सकता है। आजकल यूट्यूब पे हजारों चैनल ऐसे हैं जो कि इस तरह की गाली कनौज देकर ही अपना करियर आगे को ले जा रहे हैं, बट उनके बीच में जो वो कहना चाह रहा है उस चीज़ का कितना मीनिंग है, कितना लोग उसको समझ रहे हैं, कितना लोग उसकी बातों को और उसके हाव भाव से इंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जो कैरी मिनाटी के अंदर है, अगर वो 8 मिनट का वीडियो बना रहा है तो 8 मिनट तक अपने जो ऑडियंस है उनको पूरा भरपूर इंटरटेनमेंट देता है। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक तरह का मोटिवेशनल रैप सॉन्ग है। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगी जो विली फ्रेंजी ने इस समय बीट दी है, जो वो बादल के गरजने की आवाज़, जो वो मतलब वो कानों को इतना मतलब क्या बोलूँ, दिल को दहलाती है एंड उस चीज़ पर फोकस करती है, मतलब उस सॉन्ग पर ज़्यादा ध्यान देने की देता है आदमी, क्योंकि इतना अच्छा और इतना कैची बीट उसने यूज़ किया है। तो दोनों ही भाइयों ने मिलकर बहुत ही औसम रैप सॉन्ग निकाला है जिसका नाम है वरदान। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि देखो भाई, मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे जाओगे। एकदम से कोई भी आगे नहीं आता है, टाइम लगता है। 2014 से अभी 2020 भी चले गए, 2021 आ गया, सोचो इतना टाइम उसने लिया है तो जाके आज कोई एक मुकाम हासिल कर पाया है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आपको अगर इंटरनेट पे आना है, यूट्यूबर बनना है या कोई और जगह पे जाना है, तो ये चीज़ दिमाग में लेकर चलना कि एकदम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, 2-3 साल तो कम से कम आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो हिट दी लाइक बटन और इंस्टाग्राम पर भी कभी कभी फॉलो कर लिया करो। तो मिलती हूँ आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।